तरफ फोर पे वीरा वासुपति की टीम तरफ फोर पे इस समय बल्लेबाजी कर रही है और इस समय आफ्टर विकेट के पीछे जो विकेट कीपिंग कर रही थी बहुत देर से बैटिंग करने के लिए आए भूमि अभी भी 12 रन चाहिए 17 गेंदे 12 रन 12 नीडेड फ्रॉम 17 डिलीवरीज भूमि तब तक गेंद लग चुकी थी विकेट से अभी भी 11 रन चाहिए कितने रन चाहिए 10 रन चाहिए एक रन कंप्लीट हुआ है ना अब टीम में यूनिटी दिख रही है इस समय आधुनिक वॉरियर्स की टीम में बिल्कुल यूनिटी अब दिख रही है लेकिन बड़ा शॉट क्या इस मुकाबले को जीतने के लिए क्या आधुनिक वॉरियर्स की तरफ से दो विकेट ले लिए जाते हैं या दो ओवर में 12 रन नहीं दिए जाते हैं या महालक्ष्मी पैराडाइज की जो बैटर फिर मुझे उधर नहीं जाना है पूजा इधर से ही कर लेते हैं एक रन मिलता हुआ यहाँ पे अभी भी 8 रन और चाहिए पैरों पे टकराई गेंद रन के लिए निकली एक रन पूरा होता 5 रनों की आवश्यकता सही पास वाइट अतिरिक्त गेंदों से बचना होगा वाइट नहीं डालनी होगी और सिद्धि थोड़ी सी चिंतित हाथों में इनके रुद्राक्ष की माला नहीं है नहीं तो उसका जाप भी करती है सिद्धि करने के लिए एक रन के साथ महालक्ष्मी पैराडाइज की टीम इस समय अच्छी स्थिति पहुंच चुकी है ये ओवर बहुत बड़ा साबित हुआ शर्मा इस समय बल्लेबाजी की पंक्ति क्या बढ़िया विकेट कीपिंग अभी भी 7 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता जो है हर टीम का लगभग तीसरा मैच अब शुरू होने जा रहा है तो आपके जितने भी टीम मेंबर हैं यानी कि जब जो आपकी टीम स्क्वाड है सभी जीत यहाँ पे क्या मिली 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 और महालक्ष्मी वॉरियर्स की टीम इस मुकाबले को क्या नॉट आउट है अच्छा सभी टीम के कैप्टन ध्यान देंगे कि आपके प्लेइंग स्क्वाड में जो भी प्लेयर्स हैं सबको आपको मैच प्लेइंग 11 में आपको ले सन आइकन्स के संजय जी भंडारी साहब आ जाए टॉस के लिए स्कोर कब का उधर उधर है स्कोरिंग उधर है सर एक मिनट एक बॉल जाने दो मैकबी राइजर्स वर्सेस सन आइकन्स के बीच का ये मुकाबला चलता हुआ इस समय धर्मेश बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रन आउट का यहाँ पे खतरा हो सकता था लेकिन बहुत ही अच्छी फील्ड दिलीप जी जो कि दिलीप नावेरा जी एफएक्स के ट्रेजरर्स हैं सेक्रेटरी हैं आप हमारे बीच में उपस्थित हैं दिलीप सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत देकर आज एक खेल की भावना के साथ खेल खेल रहे हैं उनके लिए तहे दिल से अभिनंदन दोस्तों केवल जेंट्स ही नहीं लेडीज सर हार जीत तो अपनी जगह है और कोई भी टीम जीतेगा तो जीतो जुहू जीतेगा और पूरे जैन समाज के जितने लोग हैं वो जीतेंगे पूरा परिवार जीतेगा आज हमें यहाँ पर इन्विटेशन दिया है बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बच्चे लोग खेल रहे हैं बड़े लोग खेल रहे हो और मुझे अच्छा ये लग लड़कियां थोड़ी आगे निकल रही है सब जगह में धन्यवाद अगेन रमेश भाई अंका का प्रवीण भाई का धन्यवाद समीर सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत टर्फ वन की तरफ जहां पर दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ टर्फ वन पे इस समय 27 गेंदों में 38 रनों की अवश्य क्षेत्र की लड़ाई के बारे में जो बताते थे वही संजय थे एक संजय जी आप हैं लेकिन संजय जी ने बिल्कुल कहा कि अभी कहना कुछ मुश्किल लेकिन इस प्रकार से अगर बल्लेबाजी होगी सर तो आपकी टीम को अभी विकेट मिला है काफी खुश नजर आ रहे हैं यस वेरी मच और आपके जो अभी गेंदबाज हैं काफी एक्सपीरियंस बॉलर दिख रहे हैं नाम जिनका देखिए खुश होते हुए विकेट भी लेते हुए परेश जी जो कि मैकबी के ये भगवान दिनकर दिवाकर भानु भास्कर आदित्य प्रभाकर रवि इन्हें कहा जाता है जब ये जाते हैं ना तो उसके बाद फिर मैंग की बारी आती है शशि की बारी आती है सुधाकर की बारी आती है राका की बारी आती है कुसुम जी नावेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाएं टॉस के लिए
नो सर नहीं पता। कम से कम कितने रन बनाने देना चाहेंगे अपनी विपक्षी टीम को, कितने रनों पे रोकना चाहेंगे? महालक्ष्मी को तो 150 देना पड़ेगा। ओहो क्या बात है, और ईश्वर करे कि जो खुशियां घर में आई हैं वो बिल्कुल ऐसे सब लोग खुश रहे और ऐसे ही लोग प्रफुल्लित रहे, और जो खुशी आई है जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आज रजिस्ट्रेशन कीजिए और जीतेल को सक्सेस बनाइए, क्योंकि इसका जो एम है रन फॉर अहिंसा, हमको अहिंसा के लिए चलना। रो मीना मैम से मिले, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और चलते हैं सीधे अब कमेंट्री बॉक्स की तरफ, जहाँ पे एक बार फिर मैच की चर्चा करेंगे टर्फ वन पे। इस बीच गेंद को सीधे बल्ले से खेला, बहुत बेहतरीन यहाँ पे थ्रो, लेकिन रन आउट क्या होंगे, दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पे पहुंचे थे। जो हर जगह व्याप्त हो, हर जगह प्रसार जिसका हो, हर जगह जिसकी चर्चा हो वही होता है। अमित अमित जी क्या लगता है, पांच पे अभी भी चाहिए यहाँ पे, लेकिन कैच आउट, कैच आउट। चलिए हम टॉस बूथ की तरफ चलते हैं, और ये टॉस करने के लिए मैं चाहूंगा हमारे बीच में दिलीप जी नावेरा सर हैं। दिलीप जी नावेरा सर आप आ जाए, आपको आना पड़ेगा। रैंकर्स और रैंकर्स के साथ, रैंकर्स और नाइन यूनिकॉर्न्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए, रैंकर्स और नाइन यूनिकॉर्न्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए।